मैं राहुल पांडे का रुख कर लेती हूँ, मुंबई में मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल, आपकी तरफ क्या तस्वीरें हैं मॉक ड्रिल के बाद, दावे और वो दावे कितने सही साबित होते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल पूजा, मैं बता दूं इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई और महाराष्ट्र के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल जेजे हॉस्पिटल में। यहां पर कुछ ही समय पहले मॉक ड्रिल किया गया है। एम्बुलेंस के जरिए एक डमी पेशेंट को रिसीव किया जाता है, उसके बाद यहां पर जेजे हॉस्पिटल के गेट नंबर 6 पे अलग अलग काउंटर जो है वो बनाए गए हैं। सबसे पहला काउंटर है, अगर कोई भी पेशेंट यहां पर आता है कोरोना पॉजिटिव, उसे जो है सबसे पहले यहां पर रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेशेंट को तुरंत दूसरे काउंटर पर भेजा जाएगा, जहां पर डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, जांच करेंगे। उसके बाद अगर पेशेंट सीरियस होता है उसका स्वैब कलेक्शन किया जाएगा और लैब में भेजा जाएगा। अगर पेशेंट की हालत जो है चिंताजनक रहती है तो तुरंत उसे एडमिट किया जाएगा, अगर चिंताजनक नहीं रहती है तो फिर उसका इसके रिपोर्ट का जो है इंतजार किया जाएगा। अगर जेजे हॉस्पिटल की बात कर लें तो जेजे हॉस्पिटल में कुल 250 के आसपास बेड्स जो है कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व रखे गए हैं। सारे के सारे बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड हैं। इसके अलावा आईसीयू बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स बेड्स हैं। अगर पूरे मुंबई की बात कर लें तो पूरे मुंबई में जो बीएमसी का आंकड़ा है उसके मुताबिक 3 से 3,500 बेड्स जो हैं वो कोविड पेशेंट के लिए तैयार किए गए हैं अलग अलग हॉस्पिटल में, चाहे वो सेवन हिल्स हॉस्पिटल हो, जेजे हॉस्पिटल हो, या फिर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। तैयारियां साफ तौर पर दिख रही हैं, सुविधाओं की, स्वास्थ्य सुविधाओं की इस बार उपलब्धता पूरी तरह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पल्लवी, सौरभ, विपिन और राहुल, आप सभी का। तो देखिए, मॉक ड्रिल 2 दिन आज और कल देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में चलाई जाएगी, क्योंकि जो नया वेरिएंट है बहुत तेजी से फैल रहा है। इतनी तेजी से जहां 1 महीने पहले केसेस नहीं थे, वहां आज वो केसेस 100 को पार कर चुके हैं। तो इसीलिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है, लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहेगा News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।